Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to do a poem from your Beehive book, Standard 9th. The name of the poem is Slumber Did My Spirit Seal, and it is written by William Wordsworth. The poem is one of the 5 Lucy poems written by Wordsworth. These poems are dedicated to his beloved Lucy. The poet refers to death, which is permanent sleep. The poet is very sad when his beloved Lucy slept forever, that is, she died. It describes and appreciates the life beyond death. The title of the poem is A Slumber Did My Spirit Seal. Slumber, yani sleep. Spirit, yani soul. Seal, yani to fix, to make it permanent. So let's start the poem. A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. The poet says that a slumber has kept him away from realizing reality. And what is that reality? Though his beloved Lucy has slept forever. So poet kehte hai ki sleep ne jaise mere spirit ko seal kar diya ho. Poet aisa feel kar rahe the jaise ve ek aisi gehri neend mein so gaye ho jahan he was not conscious about the reality ki unki beloved ab unke paas nahi hai. वे एक ऐसी स्थिति में जैसे पहुंच गए थे जहां ही हैड नो ह्यूमन फियर्स. वे एक ऐसी नींद में सो गए थे, अवे फ्रॉम एनी ह्यूमन फियर्स. नाउ ह्यूमन फियर्स मीन्स द फियर ऑफ लूजिंग वंस प्रॉपर्टी, बिलोंगिंग्स, लाइफ एंड बिलवड. पोएट इन सब ह्यूमन फियर्स से दूर हो गए हैं, तो नाउ ही हैज अटेन पीस इन नेचर, क्योंकि वे एक ऐसी नींद में पहुंच गए हैं जहां उन्हें रियलिटी के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है. Now in the third line, the poet has mentioned she. Here he is referring to Lucy. According to the poet, she is beyond sensual awareness, that is beyond the prison of life, and she has attained death. So poet कहते हैं कि वो एक ऐसी नींद में सो गई है where she could not feel anything. Earthly time and earthly years have become timeless for her. She does not feel anything. She is immortal now. She could not be touched by the passing time. अब हमारी दुनिया का टाइम एंड ईयर्स कोई मायने नहीं रखता. वो एक ऐसी दुनिया में चली गई है जहां उसे कोई छू नहीं सकता एंड वो कुछ भी फील नहीं कर सकती. वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस 4 लाइंस दैट द पोएट्स सोल हैड ड्रिफ्टेड इनटू डीप स्लीप एज ही डिड नॉट हैव एनी रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ दैट हिज बिलवड इज नो मोर. ही हैड टेकन लाइफ फॉर ग्रांटेड एंड हैड नेवर थॉट दैट वन डे डेथ वुड टेक लूसी अवे फ्रॉम हिम. When she was taken away, he could not bear the loss. So poet इतनी गहरी नींद में सो चुके थे कि जब उनके beloved उनसे separate हुई तो वे इस चीज़ को believe करने को तैयार नहीं थे. उन्होंने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं था कि एक दिन उनके beloved उनसे दूर हो जाएगी. एंड जब वो उनसे दूर हो जाती है तो वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे एंड वे डीप ग्रीफ में चले जाते हैं. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. Now, first 4 lines में हमने देखा कि poet ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि उनकी beloved अब वापस लौट के नहीं आएगी. Now, in this 4 lines, poet ये accept कर रहे हैं कि now Lucy is dead. हमें कैसे पता चलता है? तो he says कि she has no motion and no force now. यानी उसमें ना ही कोई मूवमेंट है एंड ना ही कोई एनर्जी है. वो ना ही कुछ सुन सकती है एंड ना ही कुछ देख सकती है. बिकॉज शी हैज़ बिकम इमॉर्टल नाउ. आगे वे कहते हैं कि रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायूर्नल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज. यानी उसे अब दफना दिया गया है, बरी कर दिया है एंड अब वो भी हमारे अर्थ के डायूर्नल कोर्स में मिल गई है. डायूर्नल कोर्स यानी डेली कोर्सेज, जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ, ब्लूमिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ फ्लावर. सो लूसी को अब बरी कर दिया है एंड वो भी अब अर्थ में मिल गई है एंड अर्थ के डेली कोर्स का एक पार्ट बन गई है. एंड अर्थ में बाकी सब जो चीज़ें जैसे स्टोन्स, रॉक्स, ट्रीज की तरह अर्थ में वो मिल जाएगी. वी कैन से दैट इन दिस 4 लाइन्स द पोएट सेज दैट हिज बिलवड हैज़ नो मोमेंट, नो फोर्स. शी कैन नॉट हियर, शी कैन नॉट सी. शी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इमॉर्टल वर्ल्ड एंड इज रोलिंग विद इट एज इट टर्न्स फ्रॉम डे टू नाइट. शी इज इन अ ग्रेव कवर्ड विद सॉइल एंड इज अंडर द शेड ऑफ द ट्री. दिस इज द एंड ऑफ द पोएम. द पोएम टेल्स अस द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ.
The poem is about the death of a loved one. Poet is unaware of the fact that age can touch his beloved and death would take him away from him. But he is taught a harsh lesson. He is unable to verbalize the pain that goes along with the sudden loss. Poet was shocked and surprised at the death of his beloved. He felt bitter grief. But then poet accepts the reality. He is satisfied about his beloved's condition after her death. His beloved has no human fear as she is unaffected by pain, sorrows or worries of life. Time has no effect upon her. Now earthly years were no longer a matter of concern for her because they cannot make her older now. They cannot affect her. He considers her to be in the lap of nature, which is an ideal and safe place. Thank you.